नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमारा जीवन बीमा का क्लेम है वो क्या है। कुछ लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो वो किस किस कारण आप रिजेक्ट हो सकता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। मैक्सिमम जो क्लेम रिजेक्ट होता है, जो पॉलिसी लेने के पहले 3 साल के अंदर क्लेम रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो अभी 2014-15 में सेक्शन 45 का अमेंडमेंट किया है उसमें ये रूल कर दिया था कि 3 साल की पॉलिसी होने के बाद क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा चांस 3 साल के अंदर रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, 3 साल के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है आपका प्रपोजल फॉर्म। जब भी हम कोई बीमा लेते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म हमें भरना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ खाली फॉर्म पे साइन कर देते हैं और एजेंट उसको खुद से भर लेता है, लेकिन उसमें हमारी बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ती है, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारी जॉब के बारे में, क्या काम करते हैं, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, हमारी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, हमारी इनकम क्या है। तो एजेंट को तो ये सब चीज़ें पता नहीं है, इसलिए वो शॉर्टकट में सब में अच्छी अच्छी चीज़ें भर देता है, हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें नहीं लिखता है। लेकिन अगर हम इसमें फॉर्म गलत भर देंगे तो क्लेम के समय में क्या है, कंपनी अगर इसमें कंपनी को पकड़ में आ गया, आपने कुछ गलत सूचना भरी हुई है, तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगी, कंपनी क्लेम नहीं देगी। जैसे आपकी उसमें फॉर्म में भरा है कि आप ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपने पढ़ाई 12th तक ही किया है, तो इसमें गलत हो गया है, तो इसी आधार पे रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रीमियम समय पर न भरना। जो बीमा का प्रीमियम है वो जो लोग मंथली भरते हैं उनको क्या है, जो प्रीमियम की डेट है उससे 15 दिन के अंदर भरना पड़ता है, और जो लोग सालाना भरते हैं प्रीमियम उनको प्रीमियम की डेट के 30 दिन के अंदर प्रीमियम भरना ज़रूरी होता है। अगर हम इसके अंदर नहीं भरते हैं तो हमारी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और पॉलिसी लैप्स हो गई और उसके बाद उसी दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम अगर हम क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपकी पॉलिसी उस टाइम पे बंद चल रही है। इसलिए हमेशा समय पर प्रीमियम भरना ज़रूरी है। अगला है कि अपनी पुरानी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उनकी डिटेल्स न देना। जब भी हम नए बीमा कोई ख़रीदते हैं तो उसका प्रपोजल फॉर्म में क्या है, कंपनी पुरानी जितनी इंश्योरेंस डिटेल हैं आपके पास, पॉलिसियां हैं या आपने कभी पॉलिसी के लिए अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गई थी, वो सब डिटेल्स हमें भरनी होती हैं। अगर हम इसमें से कुछ छुपा लेंगे और बाद में कंपनी को पता चल गया तो उसके कारण भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए सही जानकारियां दें, अगर पॉलिसी आपके पास है चाहे वो 50,000 की हो चाहे वो 1 करोड़ की हो, वो बताएँ। अगर आपने कभी पॉलिसी के लिए अप्लाई किया था किसी कंपनी में और वो रिजेक्ट हो गई थी, कंपनी ने पॉलिसी आपको देने से मना कर दिया था, तो वो भी उसमें कंपनी को ज़रूर बताएं। अगला है नाम, नॉमिनी का नाम अपडेट करना। तो दोस्तों, नॉमिनी क्या होता है, जैसे कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके क्लेम का पैसा किसको मिलेगा, इसका नाम हमें फॉर्म में फिल करना होता है, इसी को नॉमिनी बोलते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, परिवार का ही कोई सदस्य होता है, उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, तो वो हमें फॉर्म भरते टाइम पे ही उसमें नाम ज़रूर ऐड कर देना चाहिए फॉर्म में। अगला है अपनी बुरी आदतों को कंपनी से छुपाना, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई ड्रग्स। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, कितना करते हैं, वो आप कंपनी को ज़रूर बताएं। अगर स्मोकिंग करते हैं कितना करते हैं, वो भी कंपनी को बताएं। अगर आपने उसमें कंपनी को मना कर दिया और आपकी
मृत्यु के समय या बाद में किसी भी कंपनी को पता चल गया कि आप ये सेवन कर रहे हैं तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए छुपाए नहीं। अगला क्या है क्लेम रिजेक्शन का कारण, जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री होती है वो गलत बताना कंपनी को या छुपाना, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कंपनी जो मेडिकल टेस्ट करने के लिए बोलती है, ब्लड टेस्ट एक्सरे वगैरह जो भी, वो करने से मना करना। वो टेस्ट आपको ज़रूर करवाने हैं, उससे क्या है आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि ये कंपनी ने किया था, उस टाइम हमारे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो मेडिकल हिस्ट्री अपनी कोई पुरानी बीमारी है आपको, शुगर बीपी या हार्ट की रिलेटेड या जो भी कोई बीमारी है, खास करके जिस बीमारी के लिए आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तो वो छुपानी नहीं है, वो फॉर्म में कंपनी को बता देनी है। क्योंकि नहीं तो आप छुपाओगे, फिर जब क्लेम के टाइम कंपनी क्या है इन्वेस्टिगेशन करेगी क्लेम की, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा तो क्या है उस दिन पारस हॉस्पिटल या मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था 3 दिन के लिए, इसको ये हार्ट में वाल डला था लेकिन उसने क्या किया, छुपा लिया था बीमारी, तो वो क्लेम के समय आपको फिर दिक्कत कर देगी, इसलिए अपनी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर बतानी है। अगला क्या है क्लेम फाइल करने में देरी करना। दोस्तों जैसे ही बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जल्दी से जल्दी हमें क्या है कंपनी को सूचित करना है और 90 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार करके सबमिट करना होता है। अगर किसी कारण से 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए हमें उसको कंपनी को उचित जवाब देना होता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी करके अपने डॉक्यूमेंट बनवा के जो जो चाहिए डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो बनवा के कंपनी के पास जमा कर दें। अगला क्या है अगर जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु जैसे कोई स्टंट करते टाइम पे हो गई, वो बाइक से कुछ स्टंट कर रहा था या कोई पैरा जंप कर रहा था या फिर जैसे किसी जुर्म में हो गई, जैसे कोई बैंक लूट के भाग रहा है पीछे से पुलिस पीछे लगी है, पुलिस ने गोली से उसको मार दिया, तो ऐसे केसों में क्या है कंपनी क्लेम नहीं देगी क्योंकि इलीगल इन्वॉल्वमेंट है उसकी। अगला क्या है सुसाइड। तो ज़्यादातर कंपनियों का क्या रूलिंग है कि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अगर बीमा धारक सुसाइड कर लेता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्या है जैसे बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई, खास करके जैसे बाइक चलाते समय हो गई, लेकिन उसकी जब जांच हुई तो पता चला उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो वो भी इलीगल हो गया, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप रोड एक्सीडेंट दिखा रहे हो तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगला क्या है जैसे अगर व्यक्ति की मृत्यु अधिक शराब पीने से या अधिक कोई ड्रग्स आदि का सेवन करने से हो जाती है, तो ऐसे केसों में भी कंपनी क्लेम को मना कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हाँ पहले के मुकाबले अभी क्लेम रिजेक्ट होने बहुत कम हो गए हैं जब से सेक्शन 45 का अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हो रहे हैं, खास करके जो डेथ हो जाती है किसी कारण से अननेचुरल, तो उसमें अगर नॉमिनी का हाथ पाया जाता है तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसके सिवा सभी कंपनियों के अपने अलग अलग एक्सक्लूशंस हैं, वो तो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो भी जाता है तो उसका एक प्रोसीजर बनाया गया है, पहले आप कंपनी में दोबारा से एक बार अपील करिए, उसके बाद IRDA में जाइए, फिर वहाँ से भी क्लियर नहीं होता है तो लास्ट में आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। वो आपका जितना क्लेम अमाउंट होता है उसके हिसाब से होता है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा
या स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ से आपको फिर क्लेम के लिए वहाँ पे कोर्ट केस फाइल करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।